करनाल के सहकारी चीनी मिल के नए पिराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा सहकारी चीनी मिल के नए पिराई सत्र का शुभ आरंभ किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति डालकर नए सीजन के लिए मिल में अच्छा उत्पादन होने की कामना ईश्वर से की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए सत्र में चीनी से ज्यादा गुड़ बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसान की इनकम बढ़ाई जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दे रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी यह मिल पूरे देश में अपना उत्पादन करने में नाम कमा चुकी है और आगे भी कर्मचारियों की मेहनत से बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। इस मौके पर शुगर फेड के चेयरमैन रामकरण काला, जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव मौजूद रहे। सर सत्य सिंह जी व मैडम आदिति, एमडी सुब्रमील, आए हुए सभी आगंतुक महानुभाव, यज्ञ के द्वारा हम प्रतिवर्ष इस प्राय स्तर का शुभारंभ करते हैं। प्रभु का आशीर्वाद लेकर के देश राष्ट्र के लिए हमें ऊर्जा देता है। वर्ष भर मेल ठीक प्रकार से चलता रहे, ऐसी मनोकामनाओं को लेकर के आज इस करनाल के शुगर मिल के नई पिराई सीजन का हवन यज्ञ के साथ हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और आशा है कि ये मिल पिछले साल से ज़्यादा उत्पादकता दिखाएगा, ज़्यादा गन्ना लेगा और इसका जो आगे दूसरी यूनिट है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि उसको भी जल्दी से जल्दी शुरुआत की जाए और अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाएं, जिससे कि चीनी के बजाय गुड़ में ज़्यादा फायदा होता है और आजकल जो है चीनी के बजाय गुड़ की डिमांड ज़्यादा है, तो किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस नई पिराई सीजन पे देश में सब सर्वाधिक जो मूल्य है 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का किया है। हालांकि चीनी के भाव कम हैं, उसके बावजूद भी किसान ने ऐसी फैसला लिया है, ये जो एक अच्छा कदम है और आने वाले वक्त में किसानों के लिए, चाहे वो मंडी चलाने की बात हो, चाहे धान की खरीद की बात हो, बाजरा की खरीद की बात हो और दूसरी फसलें जो हैं डायरेक्ट पेमेंट करके खरीद करके किसान हित ऐसी फैसला हम लेते हैं और हरियाणा किसानों का प्रदेश है और इस दिवाली पर मैं सब किसान भाइयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप मुझे कागज दीजिए, मैं तुरंत जांच करवाऊंगा। सर आप करवाइए ना, आप देखवा दो क्योंकि जांच आपने दी है तो क्या विषय है मुझे बताइए। सर बागमती का एरिया है पूरे का पूरा जी। और पीआर जो पैडी है वो ज्यादा लिखी गई है, इतना तो वो एरिया भी नहीं है, उसके मैं अधिकारियों को बोल के जांच करा लेता हूँ। अगर कोई अनियमितता मिलेगी तो उसको कार्रवाई तुरंत करवाएंगे। कृषि बिलों का विरोध करेंगे, किसान दिल्ली कुछ करेंगे? कांग्रेस कृषि बिलों का विरोध कर रही है, कांग्रेस का ये सारा प्रोपगेंडा था और पंजाब को छोड़ के देश में यह मामला कहीं नहीं है। कृषि बिलों से किसान को एक अल्टरनेटिव मंडी मिल रही है, पुरानी मंडियां भी रहेंगी, पुराना MSP भी रहेगा, नई मंडियां जो है प्राइवेट कोई बनाए, कोई किसान खरीदे, कोई गांव में व्यापारी आए, तो किसान के हितों है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.